हेलो, नमस्ते सब लोगों को। देखिए, मैं जो आप लोग के गार्डन के टूर करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कुछ कुछ टिप्स और कुछ कुछ अपडेट आप लोगों को शेयर करने में। देखिए, जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को मैं दिखाया था कि जो भी आप लोगों को मैंने ट्यूबर उगाते हुए दिखा था मैंने, देखिए ट्यूबर बहुत अच्छी तरह से उग गया है और फ्लावर की बर्ड भी आ गया है। एक चीज़ मैं आप लोग को बोलूं कि जो भी आप पौधा लगा रहे हो घर पे, उसको टाइम टू टाइम पानी खाद इसको भी आप भूलिए मत। टाइम टू टाइम खाना भी देना इन लोगों को चाहिए होता है। यू नो लाइक, देखिए इसके बल्ब निकल आए बाहर, इसको शूट बोलते एक तरह के। अभी ना ये जो आपको बल्ब देख रहे हैं ना, ये कुछ दिन के बाद ना ग्रो हो जाएंगे। और देखिए इसके, इसमें ना पानी दिया अभी, तो कुछ दिन के बाद में और थोड़ा लंबे हो जाएंगे। मैं इसको नीचे लेके आऊँगा क्योंकि जो भी प्लांट हम लोग लगाते हैं ना हाथ के सामने और थोड़ा सा वैसे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होते देखने में समझने में, क्योंकि पेड़ की कंडीशन और देखभाल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी हो जाते हैं ना। तो देखिए, मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया था, इसके पानी तो सूख गया था। देखिए कैसे डैब सा लग रहा है, तो इसमें पानी चाहिए था। इस पर देखिए जो इसके जो लीव्स निकला हुआ है, ये एक्चुअली लीव नहीं है, ये फ्लावर की एक वो स्टार्ट हो गया, जनरेशन स्टार्ट हो गया एक्चुअली, और इसमें ग्रो हो जाएंगे कुछ दिन के बाद ही। इसमें देखिए जो भी पत्ते हैं ना बल्ब से निकल के बाहर आ गए, और मतलब इसके जनरेशन भी स्टार्ट हो गया एक्चुअली। और एक चूहा जो है घूम रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों घूम रहे हैं, पता नहीं, बट मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ प्लांट की ना वो ही निकाल के लेके जाते हैं शाम के टाइम पे और खा जाते। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कुछ दिन पहले कि मेरे गार्डन में कुछ कुछ हलचल सा दिख रहे हैं, वो चूहा ही है जो एक भूस से बाहर निकल आते हैं और खा के फिर चले जाते हैं बिल के अंदर। तो देखिए जो पौधा वगैरह होते हैं ना, अगर कुछ चूहा हुआ खा जाए, तो इसको मैंने इसलिए ऊपर रखा है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर रखूँगा बिकॉज मुझे दिख गया एक्चुअली। देखिए स्ट्रॉबेरी प्लांट को मैंने ऊपर कर दिया था, ऊपर कर दिया एक्चुअली, क्योंकि चूहा दिख गया मुझे। तो ना चूहा क्या करते, ऊपर आके ना खाना और कुतरना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज मेरे यहाँ पर जो यू नो जो इसके वो लगा हुआ है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, जो जाल टाइप लगा होते हैं, उसमें से ही कुछ पौधा खा के और लेके चला जाना मुझे ख़राब लगता है एक्चुअली नो, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना घर पे तो मिलते नहीं है, उसको प्लांट को बाहर से खरीद के लेके आना पड़ता है। लेकिन 9 बजे अभी ग्रो हो गया एक्चुअली। और मैंने आप लोग को ये वाला प्लांट भी दिखाया था, एक क्रिसमस कैक्टस है जो मैंने लगाया था, इसको अभी कुछ दिन के रखूँगा, फिर उसके बाद मैं नीचे लेके चला जाऊँगा। इसके देखिए 2-3 पत्ते भी निकल आए बाहर, देखिए फोकस नहीं कर पा रहे, देखिए जो जो 2-3 पत्ते निकल आए बाहर, अच्छा लग रहा देख के कि इसके मतलब लग गया है अभी ये वाला प्लांट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी आप प्लांट लगाते हो, अगर कोई इसकी ख़राब करते हैं ना, तो उस टाइम बहुत ही ख़राब लगते हैं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था एक्चुअली, बट मैं अभी क्या करूँगा, उसको बंद कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से लगातार आते जाते रहेंगे तो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। देखिए यहाँ से आए थे अभी और काफ़ी मोटा था, मतलब इतना मोटा सा और काफ़ी बड़ा सा, नो 7-8 इंच के होंगे, बड़े से, काफ़ी बड़े से। तो मैं ना इसको, इस पौधे को जो ना, ये वाला पौधा तो कुछ नहीं हो रहा, तो इस पौधे को मैं थोड़ा सा धक्का देकर, बिकॉज काफ़ी भारी सा है और मेरा पैंट भी गंदा हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे कि घुस ना पाए अंदर, क्योंकि ना मेरे वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लांट के वो है लगा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों को मिलूँगा बहुत जल्दी, और हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।